ऐसे इंस्पिरेशन की तो कोई बात ही नहीं होती, वो तो रेगुलर जो काम करते हैं उनके लिए इंस्पिरेशन कम, उसके लिए वेट करना का कोई मतलब ही नहीं है। आप जो काम पहले दिन छोड़ के गए हैं उसी को कंटिन्यू करना है, तो ये तो रेगुलर जैसा आपकी लाइफ चलती है उसी तरह काम भी चलता है। होल प्रोसेस ऑफ वर्क इज सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। इफ आई डोंट वर्क, अगर नहीं काम करती हूँ मैं, तो उस दिन ऐसे लगता है कि कोई एक बड़ी चीज मिस हो गई जिंदगी से। रोज का काम इसलिए बहुत जरूरी है। वैसे तो एक काम पिछले काम का ही एक्सटेंशन है, तो एक काम जब खत्म हो जाती है उसी से ही पता लगता है हमने आगे क्या करना है, तो ऐसे कोई खास सोचना नहीं पड़ता। Space makes you to discover things. कि आप चलते चलते क्या क्या देख रहे हैं, पहले आपने नहीं देखा हुआ, तो जो चीज बनती जाती है वो पहले नहीं बनाया और उस उन चीज को वैसे बनाने की जो अर्ज है वही एक दूसरे फॉर्म्स को वहाँ खींच के लाता है। ये नहीं कि मैं मेरा कोई स्पेशल एफर्ट है इसमें, ऐसे नहीं है। वो फॉर्म्स के आपस की कनेक्शन है जो मुझे दिखता नहीं है पर उस वक्त पता लगता है। फ्यूचर तो आज के ऊपर डिपेंड करता है ना, कल जो है वो आज कैसा है उस पे है, तो आज जैसा निकल रहा है फ्यूचर वैसा ही होगा। ऐसा स्टोरीज तो कभी भी नहीं होता है किसी में, पर क्योंकि फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स आपस में एक स्टोरी उधर ही बना लेती है, तो इसलिए जो ऑनलुकर है वो कैसे स्टोरी पढ़ेगा वो उस पर डिपेंड करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि विजुअल आर्ट क्या चीज है उसको समझना, जो देखता है वो क्या, उसको उनको ये पता होना चाहिए कि हमें सिर्फ देख के समझना है ना कि सुन के, क्योंकि ये सिर्फ देखने वाली लैंग्वेज ही सिर्फ देखने वाली है। हम इतना यूज्ड टू है ये डेली लैंग्वेज, ये इतनी पुरानी है और हमारे अंदर ऐसा बसा हुआ है। जैसा अगर मैं कहूँ कि पेड़ है, आप इमीडिएटली समझ जाएंगे मैं क्या बोल रही हूँ, पर अगर मैं बनाऊ कुछ ऐसे कोई और चीज तो आप नहीं समझता, आप पूछेंगे क्या चीज है, और मैं अगर कहूंगी कि मैंने यही बनाना था आप यही देखिए और ये देख के आप क्या समझ रहे हैं वो सबसे।